अगर बेन 10 सीरीज में अभी तक कोई ऐसा एलियन इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि बिना बैटल किए ही सामने वाले को डिफीट कर दे, तो मुझे नहीं लगता है टॉय पिक के अलावा वो कोई और हो सकता है। एलियन एक्स या सेलेस्टियल सीपियंस की बात अलग है, लेकिन कुछ बेन 10 यूनिवर्स में ऐसे एलियंस या स्पीसीज भी हैं जिन्हें टॉय पिक डराकर डिफीट नहीं कर सकता है। तो वो आखिर एलियन या स्पीसीज हैं कौन? इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टॉयपिक को डिफीट करने वाले या टॉयपिक से न डरने वाले एलियंस या कैरेक्टर्स की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं टॉयपिक की पावर एंड एबिलिटीज की। तो टॉयपिक का होमवर्ल्ड और स्पीसीज दोनों ही अननोन है। ओग्री जैसी बॉडी का दिखने वाला ये एलियन यानी टॉयपिक कंटेनमेंट हेलमेट रखता है, जिसके कारण इसके पास इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटी भी है। ओनली हेलमेट टॉयपिक के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ भी है। तो आप सोच सकते हैं कम से कम इसके पास स्ट्रेंथ तो है ही है, ये एक बैटल या फाइट तो कर ही सकता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी। इसके अलावा इसके पास शार्प क्लॉज भी हैं जो कि इसकी फाइट में हेल्प कर सकते हैं, और ये गैस को भी जनरेट कर सकता है जो कि अपने एपिसोड में देखी भी हो। फियर इंडसमेंट जैसी एबिलिटी रखने वाला ये टॉयपिक के पास नाइटमेरिश फेस और नाइटमेरिश साउंड जैसी पावर एंड एबिलिटीज भी हैं। एक्स्ट्रा टेरर के लिए टॉयपिक साउंड को यानी हॉरर साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे सामने वाला और भी ज्यादा डर सकता है। जोम्बोजो और कई डरावनी स्पीसीज को भी डराने वाले एलियन टॉयपिक की पावर्स एंड एबिलिटीज के बाद अब हम बात करते हैं उन एलियंस की जो इसे डिफीट कर सकते हैं। बात करें अगर फिफ्थ पोजीशन की, तो मैंने इस पोजीशन पर दो स्पीसीज को लिया है, उनमें से एक है सेलेस्टियल सेपियंस। टॉयपिक जैसा एलियन वैसे तो सेलेस्टियल सेपियंस तक को भी डरा सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन, यानी सेलेस्टियल सेपियन अगर साइज में काफी बड़े होते हैं तो मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल भी है। और अगर सेलेस्टियल सेपियंस अपनी पावर्स के साथ एक्टिव रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है वो टॉयपिक को कोई मौका भी देंगे खुद को डराने का। और वो दूसरा एलियन या स्पीसीज माल्ट्रुएंट यानी कि क्रोनोसेपियन स्पीसीज। देखो यार, टॉयपिक माल्ट्रुएंट जैसे एलियन को डरा तो सकता है, लेकिन इट विल बी डिपेंड ऑन टाइम। बट वेट, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको माल्ट्रुएंट की पावर एंड एबिलिटीज पता है, यानी कि माल्ट्रुएंट को टॉयपिक डरा तो सकता है लेकिन ये टाइम पर डिपेंड करता है। और हम सभी को पता है अगर माल्ट्रुएंट अपनी फुल पावर एंड एबिलिटीज के साथ हुआ तो कौन जीतेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेलेस्टियल सेपियंस या क्रोनोसेपियन किस स्पीसीज को फिफ्थ पोजीशन को डिजर्व करने लायक मानते हैं। नंबर 4 वाइल्ड मट यानी कि वल्पिमेंसर स्पीसीज, जिनका होम वर्ल्ड है वल्पिन। अब वाइल्ड मट या वल्पिमेंसर जैसी स्पीसीज के पास ब्लाइंड विजन होने की वजह से ये टॉयपिक का फेस देख ही नहीं सकते हैं। ब्लाइंड विजन वाली ये स्पीसीज इनहेंस्ड स्मेलिंग जैसी एबिलिटी रखती है, और इनके पास साइटलेस विजन भी है जिससे ये अपने अपोनेंट्स को ढूंढ सकते हैं। नंबर 3 माँ ब्रीडल स्पीसीज ब्रीडल और होमवर्ल्ड अंडरटाउन अर्थ। वेबसाइट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग माँ ब्रीडल को भी टॉयपिक जैसा एलियन नहीं डरा सकता है, और उन्हें डरा के डिफीट भी नहीं कर सकता है। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि माँ ब्रीडल अगर टॉयपिक इनसे फाइट लेता है तो टॉयपिक का क्या करेंगे, क्योंकि माँ ब्रीडल की पावर एंड एबिलिटीज तो आप जानते ही हैं, और बेन के साथ इनका बैटल भी हुआ था जो आपने देखा ही होगा, और माँ ब्रीडल एंड ब्लिगेक्स के बारे में तो पता ही होगा। बात करें अगर नंबर 2 की, तो उस पर आते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स यानी अपने टाइम ट्रेवलर। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि टॉयपिक के फेस को क्लियरली देख सकते हैं और अपने फियर को भी ओवरकम कर सकते हैं। कौन कौन मानता था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास केवल टाइम पावर्स हैं और वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। यार देखो, टाइम पावर्स तो होती ही है मोस्ट पावरफुल पावर्स में से, लेकिन यार वो काफी पावरफुल कैरेक्टर भी है, एंड नो डाउट प्रोफेसर पैराडॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन बेन 10 यूनिवर्स। और हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन को डिजर्व करता है डैगन, जिसका एग्जिस्टेंस ही पावर है यानी एनर्जी है। मैंने इस वीडियो की फिफ्थ पोजीशन पर उन स्पीसीज या एलियंस को वेबसाइट इंफॉर्मेशन और अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग रखा था, लेकिन फोर्थ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली स्पीसीज टोटली वेबसाइट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। इंफॉर्मेशन में अपने वर्ड्स में जरूर शेयर कर रहा हूँ, तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर है डैगन, जिसकी पावर्स आप अच्छी तरह से जानते होंगे। टॉयपिक जैसा एलियन जो सेलेस्टियल सेपियंस तक को डरा दे, वो डैगन को नहीं डरा सकता है। तो आप सोच सकते हैं डैगन कितना पावरफुल एलियन है। अब एलियन हो या एनर्जी हो, जो भी हो, लेकिन डैगन को टॉयपिक नहीं डरा सकता है। तो ये थे वो एलियंस स्पीसीज या कैरेक्टर्स, जो भी आप कहें, जिन्हें टॉयपिक नहीं डरा सकता है या जिन्हें टॉयपिक डिफीट नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा एलियन या स्पीसीज पता है जिसे टॉयपिक डिफीट नहीं कर सकता है या फिर डरा नहीं सकता है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
देना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।